गुड मॉर्निंग क्लास 11th बच्चों, हम आपका चैप्टर कवर कर रहे थे इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में हमने कवर किया था बच्चों सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आपने पढ़ा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, फिजिकल प्रोसेस में केमिकल इक्विलिब्रियम आपने किया था एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आपने किया था। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल हमने बच्चों कवर की थी, रिवर्सिबल रिएक्शन। नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन जिसमें आपने करा था, एक्टिव मास क्या होता है, क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन होता है कि जो रेट होती है रिएक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। सो लॉ ऑफ मास एक्शन आपने किया था। नेक्स्ट था बच्चों आपका डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी और केपी आपने किया था, रिलेशन की थी इन बिटवीन केपी एंड केसी, यूज ऑफ पार्शियल प्रेशर आपने केसी एंड केपी, केसी जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकालते हैं तब आप किसका यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का। अब जब आप केपी निकालते हैं तो आप किसका यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर का यूज करते हैं। सो रिलेशन आपने किया था बिटवीन केसी एंड केपी, कुछ क्वेश्चंस किए थे, ली चैटेलियर प्रिंसिपल किया था। सो ये था बच्चों आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। सो बच्चों अब हम आपका स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। सो बच्चों इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था आपकी इससे पहली क्लास में, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने लॉ ऑफ मास एक्शन किया था, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, अगर कोई भी आपका बाइनरी मॉलिक्यूल है, सपोज कीजिए ये एक आपका बाइनरी मॉलिक्यूल है, क्या मतलब होता है बाइनरी मॉलिक्यूल का, बाइनरी मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि वो मॉलिक्यूल जो दो एटम से बना है इसे हम कहते हैं बाइनरी मॉलिक्यूल। सो इसमें बच्चों दो आयंस हैं या एटम्स कह सकते हैं, जब आप नेगेटिव में। सो बच्चों जैसे कि आयंस भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है और उसमें कोई भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर क्या बना रहा होता है, आयन। एट द सेम टाइम आयंस भी आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो जैसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं, सो बच्चों आप आयनिक रिएक्शंस में भी देखो, इसमें भी क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर क्या बना, मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के। सो जब आयन की कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के, आप कह सकते हैं कि बाइनरी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल होगी, सो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। सो बच्चों जैसे हम लॉ ऑफ मास एक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में अप्लाई करते थे, ऐसे ही हम लॉ ऑफ मास एक्शन किस में अप्लाई करेंगे, आयन इक्विलिब्रियम में अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट है बच्चों आपका सब्सटेंस। आपको पता है कितने टाइप के सब्सटेंस होते हैं, टू टाइप के सब्सटेंस, एक तो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दूसरे होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। कितने टाइप के सब्सटेंस होते हैं, टू टाइप के सब्सटेंस होते हैं, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकेंड वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कितने टाइप के होते हैं,
सो बच्चों जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें आप क्या पढ़ोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि H2SO4, HCl, HBr, HI, HClO4 एंड HClO3। बच्चों क्लोरीन के चार ऑक्सी एसिड्स होते हैं, HClO4 एंड HClO3, HClO2 एंड HClO। उसमें जो HClO4 एंड HClO3 होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जबकि HClO2 एंड HClO जो होता है वो वीक एसिड होते हैं। सो यहाँ पर कौन कौन होगा एग्जाम्पल, H2SO4, HCl, HBr, HI, HClO4 एंड HClO3। नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हैं जितने भी आपके एल्कली मेटल जो बेस फॉर्म करते हैं। एल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एल्कली मेटल के जितने बेस होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल में BaOH का ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बाकी जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके जो बेसिस होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग बेस में ऑल एल्कली मेटल्स, दो टाइप के मेटल्स होती है ना एस ब्लॉक के एलिमेंट, फर्स्ट है एल्कली मेटल्स एंड सेकेंड है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो ऑल एल्कली मेटल्स एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन, बेरियम हाइड्रोक्साइड BOH का ट्वाइस। ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का आपका एग्जांपल है H2SO4, HCl, HBr, HI, HClO4 एंड HClO3। और आप लिख सकते हैं बच्चों जितने भी टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। सो ये है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल एंड स्ट्रॉन्ग बेस के। ये आपको याद रखने हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, क्योंकि जब आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन करेंगे, सो जब आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन करेंगे उसमें सब आपको याद होनी चाहिए कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक एसिड है, कौन वीक बेस है। नेक्स्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। BOH का ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कैसे होते हैं, वीक बेस होते हैं। बच्चों जितने भी ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं जैसे कि AlOH का थ्राइस, और ऑर्गेनिक बेसिस जैसे कि एग्जांपल ऑर्गेनिक बेसिस एंड ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल भी क्या आएगा, CH3COOH, ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक बेसिस और ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी होती है
ठीक है। सो AROH का थ्राइस जितने भी ऑर्गेनिक बेसिस हैं, अमोनिया, डी ब्लॉक मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं, वो सब क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। एसिड बेस थ्योरी में बच्चों सबसे पहली आपकी
अमाइलेस एसिड, और वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन डोनेट करते हैं उन्हें कहते हैं अमाइलेस बेस। सो H पॉजिटिव डोनर जो होते हैं उन्हें कहते हैं अमाइलेस एसिड, और OH नेगेटिव डोनर जो होते हैं उन्हें कहते हैं अमाइलेस बेस। सो क्या लिखोगे आप इसकी डेफिनेशन? The compounds which donate H positive ion in aqueous solution are called Arrhenius acid. ये सब क्या है? अरहेनियस एसिड, अरहेनियस बेस।
यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि अरेनियस एसिड बेस थ्योरी आप किसमें लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन का होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन नहीं होता है। सो क्या लिखोगे आप इसकी डेफिनेशन?
बेरियम क्लोराइड, बोरोन क्लोराइड, BCl3, CU2, SF4, PF5, FeCl3 एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं बच्चों? लोन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। सो एग्जांपल्स आप क्या लिखोगे? H पॉजिटिव, CO2, SF4, BCl3, बोरोन ट्राइक्लोराइड, AlCl3, FeCl4, एक्सेट्रा। अब यहां पे बच्चों, यहां पर देखो CO2, SF4 ये क्यों है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये लोन पेयर एक्सेप्टर इसलिए है क्योंकि इनमें क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये लोन पेयर को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। ये आप एस एंड डी ब्लॉक कंपाउंड वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं, जिसमें आपने बैक बॉन्डिंग को पढ़ा था। सो ड्यू टू वैकेंट डी और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, दीज आर लोन पेयर एक्सेप्टर और लुइस एसिड। सो आप यहां पर लिख सकते हैं लुइस एसिड्स आर लोन पेयर एक्सेप्टर। नेक्स्ट इज लुइस बेस। लुइस बेस आपको पता है जो लोन पेयर को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। सो जितने भी मॉलिक्यूल्स और आयंस जिन पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, वो सब कैसे होंगे? लुइस बेस। सो आप लुइस बेस का एग्जांपल एक्स नेगेटिव, OH नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, क्योंकि इन सबके पास क्या है बच्चों? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो ये क्या करेंगे? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स हैं, आप उनका एग्जांपल लिख सकते हैं लुइस बेस में। सो लुइस एसिड क्या होते हैं? लोन पेयर एक्सेप्टर, वो मॉलिक्यूल जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं लुइस एसिड। और लुइस बेस क्या होते हैं? लोन पेयर डोनेटर, दैट मींस जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लुइस बेस कहते हैं। एग्जाम्पल्स लुइस एसिड एच पॉजिटिव, CO2, SF4, BCl3, AlCl3, FeCl4 एक्सेट्रा। अब CO2 SF4 क्यों दिया हमने एग्जाम्पल? क्योंकि इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। लुइस बेस जितने भी मॉलिक्यूल जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो कैसे वर्क करते हैं? एज ए लुइस बेस। तो एक्स नेगेटिव, OH नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव एक्सेट्रा, ये सब क्या है? लुइस बेस। आप इसमें अदर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि Br नेगेटिव, I नेगेटिव एक्सेट्रा। सो ये है बच्चों आज का आपका टॉपिक।